नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं रिटेल जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप क्यूआर कोड के माध्यम से अपने बिल का भुगतान कैसे करेंगे। जैसे यह फीचर्स पूरे इंडिया में किसी किसी सॉफ्टवेयर में है, लगभग ज्यादा से ज्यादा एक या दो सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स होगा। और हम आपको एकदम न्यू फीचर्स, नई टेक्नोलॉजी के फीचर्स हैं जो कि आप अपने दुकान में, अपने किराने की स्टोर में, आप जब भी आप बिल बनाएंगे, बिल बनाने के बाद डायनामिक क्यूआर कोड कैसे जनरेट करेंगे और उसको जनरेट करने के बाद आप उसका पेमेंट कैसे कस्टमर से लेंगे, उसके बारे में आज हम दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम बार कोड जहां पे है उसको हम कुछ प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं। यहां पर टोटल जो सेल का हमारा जो अमाउंट बन रहा है 390 रुपीज। मैं थोड़ा सा आपको यहां पर सेल अमाउंट पे दिखा दे रहा हूं। डिस्काउंट यहां पर कुछ भी नहीं है, सब टोटल यहां पे दिख रहा है 390 रुपीज। यहां पर जो टैक्स है सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिला के टोटल हमारा बिल बन रहा है 401 रुपया 40 पैसा। राउंड फिगर अगर राउंड अप को काट दिया जाए तो टोटल बन रहा है 401 रुपया। तो दोस्तों इस 401 रुपये को हम डायनेमिक क्यूआर कोड कैसे जनरेट करेंगे उसके बारे में हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम सेटल बटन F2 को प्रेस करेंगे। यहां पर एक देखिए दोस्तों डायनेमिक क्यूआर कोड का ऑप्शन है। यहां पर आप शॉर्टकट की F3 के माध्यम से आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक डायनेमिक क्यूआर कोड आपका डिस्प्ले हो जाएगा। इसको आप अपने फोन पे, गूगल पे या फिर अमेजोन पे आप स्कैन करके 401 रुपये का पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद सेव बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ए प्रिंट इस तरीके से आ जाएगा और उस प्रिंट में भी यहां पर डायनेमिक क्यूआर कोड आपका शो करता रहेगा। दोस्तों यहां पर डायनेमिक क्यूआर कोड कैसे हमें जनरेट करना है ये देखा। अगर आप क्यूआर कोड जनरेट नहीं करते हैं फिर एक बिल हम देख रहे हैं आपको। यहां पर टोटल 168 रुपीज 0.4 पैसे का आपका टोटल बिल है तो राउंड अप करके 168 हो जा रहा है। तो यहां पर हमने जनरेट नहीं किया है क्यूआर कोड तो 168 रुपीज का हमने कैश अमाउंट किया और फिर बिल बनाया। उस सिचुएशन में यहां पर ऑनलाइन पेमेंट नॉट यूज, मतलब यहां पर ऐसा डिस्प्ले यहां पर हुआ है दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट नॉट यूज, इसका मतलब यह है कि आपने ऑनलाइन पेमेंट कुछ भी नहीं किया हुआ है। अगर आप यहां पे ये चीजें हटाना चाहते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट नॉट यूज है तो आपके बिल पे अगर आप रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार यहां पर इस बिल को मॉडिफाई कर दिया जाएगा, जिसमें आपको इस इमेज को रखना चाहते हैं तो रखिए और नहीं तो अन्यथा आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपने बिल से आप रिमूव करा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।